नहीं, तो इस वीडियो के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे बीएड सेकेंड ईयर की जो आपकी बुक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, उसकी यूनिट वन का पार्ट 3। पार्ट वन और पार्ट टू चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा तो आप इंग्लिश सेक्शन में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर इजिली उन दोनों वीडियोज को एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ बीएड सेकेंड ईयर की और भी बुक्स हैं जो हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं, जैसे कि नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट, और आपका हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा। तो ये सब वीडियोस आपको हमारे चैनल के प्ले लिस्ट सेक्शंस में मिल जाएंगे, आप आसानी से आराम से वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, उससे पहले आज हम समझेंगे स्टीरियोटाइप क्या होता है, फिर हम शुरू करेंगे जेंडर स्टीरियोटाइप। तो व्हाट इज स्टीरियोटाइप? स्टीरियोटाइप इज अ थॉट दैट कैन बी अडॉप्टेड अबाउट स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और सर्टेन वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मतलब किसी भी चीज के बारे में एक थॉट, एक विचार बना लेना कि भाई ये ग्रुप ऑफ पीपल ऐसा ही करते हैं, ऐसे ही होते हैं। इस टाइप का विचारधारा बना लेना किसी भी ग्रुप के बारे में, किसी भी पीपल के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, इज कॉल्ड अ स्टीरियोटाइप। दीज थॉट्स एंड बिलीफ मे और मे नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द रियलिटी। अब ये थॉट हो सकता है रियलिटी बताते हों, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको रियलिटी ही बताए। इट्स लाइक कोई एक ग्रुप है पर्टिकुलर, और उसके बारे में हमने अपने माइंड में एक थॉट, एक बिलीफ बना लिया है उस ग्रुप से रिलेटेड कि ये ग्रुप इसी तरह काम करता है। लाइक आपने सुना होगा पंजाबी तो मतलब पंजाबी आदि बैटरी चार्ज रहती है, मतलब पंजाबी आर फुल ऑफ लाइफ। ठीक है, ये हमने सुना है। तो हम जब भी किसी पंजाबी से मिलेंगे, हमारे माइंड में जो बिलीफ है हम उसको लेकर मिलेंगे, दैट दे आर फुल ऑफ लाइफ, उनको मतलब मस्ती खोरी पसंद होती है, सच टाइप ऑफ पर्सन। ठीक है, फिर बनिया के बारे में ये कैसे स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि दे ऑल आर कंजूस। मतलब जब भी हम बनिया को मिलेंगे तो हमारे माइंड में ऑलरेडी एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है दैट दे आर कंजूस। हो सकता है वो हो या ना हो, हम पूरे ग्रुप को उसी तरीके से देखते हैं फिर, राइट। नाउ द वर्ड स्टीरियोटाइप इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्टीरियोज एंड टाइपोज। स्टीरियोज मतलब सॉलिड एंड टाइपोज मतलब इम्प्रेशन। तो स्टीरियोटाइप मतलब सॉलिड इम्प्रेशन, किसी के बारे में एक सॉलिड इम्प्रेशन बना लेना इज कॉल्ड स्टीरियोटाइप। ठीक है, स्टीरियोटाइप प्रेजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन आर अंडरस्टूड रिलेटेबल बट दे आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अब स्टीरियोटाइप, प्रेजुडाइज और डिस्क्रिमिनेशन, इन तीन वर्ड्स को हम मोस्ट ऑफ द टाइम एक ही समझते हैं, रिलेटेबल समझते हैं, बट ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक ग्रुप के बारे में एक विचारधारा बना लेना। प्रीजुडाइज होता है जैसे मैंने किसी को देखा और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, मान लीजिए मैं किसी से पहली बार मिले हूँ और उसने मुझे इग्नोर किया, तो मेरे माइंड में एक प्रेजुडाइज बना लूँगी मैं उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए, कि बहुत सेल्फिश है, बहुत मतलब ईगोइस्टिक है। तो मतलब हम अपनी एक विचारधारा बना रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजुडाइज। स्टीरियोटाइप है जो हमने सुनी सुनाई बातों को मान लिया है किसी ग्रुप या किसी पर्सन के बारे में, दैट इज स्टीरियोटाइप। जबकि डिस्क्रिमिनेशन है, इन दोनों के बेसिस पर हम जब भेदभाव करते हैं, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो स्टीरियोटाइप समझ आ गया, प्रेजुडाइज समझ आ गया, डिस्क्रिमिनेशन समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। स्टीरियोटाइप क्या है? कॉग्निटिव कंपोनेंट, मतलब दिमागी रूप से हमने ये विचार बना लिया है। ठीक है, और कॉन्शियस, हम कॉन्शियस है इस चीज़, हमें अवेयर हैं कि हमने ये विचार किसी के बारे में बनाया है। जबकि प्रेजुडाइज इज अफेक्टिव कंपोनेंट। प्रेजुडाइज क्या है? इफेक्ट, देखो तीन तरह की चीज़ें होती है ना, कॉग्निटिव, एक होता है आपका कॉग्निटिव, एक होता है आपका इफेक्टिव, मतलब जो आपके इमोशन से कनेक्ट होता है, और एक होता है आपका इफेक्टिव, मतलब जो आपके फिजिकल मतलब मूवमेंट से कनेक्ट होता है। तो
कॉग्निटिव मतलब दिमागी रूप से विचार यानी आइडियाज, वो है हमारा स्टीरियोटाइप। इफेक्टिव मतलब हमारे इमोशन से कनेक्टेड। अब देखो हमारे इमोशंस को किसी ने हर्ट किया पहली मिनट में, तो हमने उसके बारे में एक विचारधारा बना ली। सो व्हाट इज प्रेजुडाइज, इट इज अफेक्टिव। क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें क्या डिस्क्रिमिनेशन की यानी कि भेदभाव की, तो वो इनका रिजल्ट है। स्टीरियोटाइप के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, हम भेदभाव करते हैं। क्लियर। तो स्टीरियोटाइप्स आर द आइडियाज एंड टेंडेंसी विच अवेकन द इमेजेस ऑफ द माइंड। स्टीरियोटाइप एक तरह का थॉट है जो हम किसी के बारे में बना लेते हैं, जो हमारे माइंड को उसी तरह से सोचने पर मजबूर मजबूर कर देता है। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ सेम ग्रुप आर प्लेस्ड इन सेम कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हमने एक इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर ये विचारधारा बना ली कि ये ग्रुप ऐसा ही है और हम ऐसा ही मानेंगे। उस ग्रुप का कोई भी व्यक्ति हमें मिले, हम उस व्यक्ति के स्वभाव पर उसे जज नहीं करेंगे, हम अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग उसे जज करेंगे। एंड यू नो व्हाट, एक बार जो हम सोच लेते हैं ना, फिर हमें जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो उन्हीं से लिंक्ड अप मिलने लग जाते हैं। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। जैसे मैंने एक थॉट बना लिया, इंग्लिश पीपल आर इंटेलिजेंट, सो इट इज अ पॉजिटिव। ठीक है, मैंने बोला बनी आर कंजूस, इट्स अ नेगेटिव। ठीक है, तो मतलब आपका जो स्टीरियोटाइप है दैट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, दैट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। स्टीरियोटाइप आर मेड कंसिडरिंग द डिफरेंसेस बिटवीन द वेरियस रेशियल ग्रुप्स और इनबॉर्न एंड नॉट बाय कंसिडरिंग देम एज सोशल लर्निंग कल्चरल इफेक्ट। अब स्टीरियोटाइप जो बनाए जाते हैं वो किसी सोशल ग्रुप के लिए मतलब इस तरह बनाया जाता है कि भैया बनिया घर में पैदा हुआ तो कंजूस ही होगा, पंजाबी घर में पैदा हुआ तो भैया फ्री माइंड का ही होगा। भाई ये स्टीरियोटाइप है, ऐसा नहीं है। आई हैव सीन बहुत सारे बनिया जो खुला पैसा खर्च करने वाले होते हैं एंड बिल्कुल भी कंजूस नहीं होते। और मैंने बहुत सारे पंजाबी देखे हैं लाइक मी जो बहुत ही कंजूस होते हैं, मतलब जिनको पैसे निकालने में बहुत जोर पड़ता है लाइक मी। ठीक है, तो हम स्टीरियोटाइप तोड़ रहे हैं, है ना। तो स्टीरियोटाइप बस एक विचारधारा है, वो आपके ग्रुप के सभी मेंबर्स को एक्चुअल में डिनोट नहीं करती है। हम ये कंसिडर ही नहीं करते कि एक व्यक्ति जो सीखता है वो सोशल लर्निंग से सीखता है, समाज में सीखता है। हम जो सोचते हैं बच्चा पैदा हो गया इस घर में तो ये ऐसा ही होगा। ठीक है ना। अब कभी कभी नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स द स्टीरियोटाइप इज इम्पॉर्टेंट टू। अब स्टीरियोटाइप इम्पॉर्टेंट क्यों है, कब है, वो समझने की कोशिश करते हैं। अब स्टीरियोटाइप हम ऑल्दो हम अभी तक जो पढ़ते आए स्टीरियोटाइप की नेगेटिव चीज़ें ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप इम्पॉर्टेंट भी होता है। कैसे? इट इज़ हेल्पफुल इन प्रोडक्शन। प्रिडिक्शन करनी है अगर हमें किसी चीज़ के बारे में, जैसे कि रूरल पर्सन के को एग्रीकल्चर की ज़्यादा नॉलेज होती है, गांव में आने वाले व्यक्ति जो है उन्हें खेती बाड़ी का ज़्यादा ज्ञान होता है और इस रीजन से वो इसी चीज में ज्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं। ठीक है, तो हम किसी इंडिविजुअल के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग स्टीरियोटाइप। ऑल्दो हमें नहीं पता वो प्रिडिक्शन हमारी किस हद तक सही है, बट वी कैन प्रिडिक्ट। ठीक है, हम उनका इंटरेस्ट जान सकते हैं बेस्ड ऑन द स्टीरियोटाइप्स। देन इट इज हेल्पफुल इन मेकिंग इमेजेस। अब हम किसी के बारे में विचार धारणा बनाना चाहते हैं तो वो भी हम इसी के बेसिस, स्टीरियोटाइप्स के बेसिस पे बना लेते हैं। जैसे कि पलवल की विचारधारा है, पलवल वालों के लिए क्या था, पलवल वालों से सावधान लिखा भी होता था कई सेशंस पे, उन मैं पलवल से हूँ तो भाई पलवल वालों से सावधान क्यों लिखा, पलवल वाले ऐसे ही होते हैं, मतलब कुछ भी कर लेते हैं, थोड़ा सनकी दिमाग के होते हैं, लड़ाई झगड़े में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, तो पलवल वाले ऐसे होते हैं, बट मैं तो ऐसी नहीं हूँ। ठीक है ना, तो और भी मैंने जितने पलवल वालों को जानती हूँ उनमें हैं कुछ लोग ऐसे, बट सारे पलवल वाले ऐसे हूँ, आपने एक स्टीरियोटाइप बना लिया, दैट्स नॉट। बट हाँ, आप इमेजेस बना लिए अपने पलवल वालों की, तो आपसे कोई पलवल वाला मिलेगा तो आपको पता है ये, इससे तो मुझे सावधान रहना। तो आप अगर वो व्यक्ति अच्छा भी है तो भी आपने जो इमेज बनाई आप उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ बात करेंगे। ठीक है, बट समटाइम्स इट्स यूजफुल लाइक इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। आप कहीं किसी जगह नई जगह पर एडमिशन कराने जा रहे हैं, आपको यूट्यूब चैनल सर्च कर रहे हैं, तो आप जो स्टीरियोटाइप सुन रहे हैं, रिकमेंडेशंस पर जाते हैं, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हैं। तो स्टीरियोटाइप किसी मतलब एक, जैसे डी यू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, डी यू का नाम है,
अब डीयू नाम सुनते ही, अरे डीयू तो बहुत है, तो बढ़िया कॉलेज है। अब भाई डीयू बहुत बढ़िया कॉलेज है, आपने देखा है डीयू इज यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर काफी सारे कॉलेजेस आते हैं। हर कॉलेज बढ़िया नहीं है, कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस हैं जो बढ़िया हैं, लेकिन स्टीरियोटाइप बना हुआ है डीयू से पढ़ोगे तो भाई कुछ ना कुछ तो कर ही दोगे, ठीक है ना। तो डीयू का स्टीरियोटाइप बन चुका है, समझ रहे हैं आप। देन इट गाइड्स ह्यूमन बिहेवियर। अब स्टीरियोटाइप की मदद से ह्यूमन बिहेवियर को गाइड किया जा सकता है। इन द प्रेजेंट एज नो वन कैन मेक कॉन्टैक्ट विद ईच एंड एवरी पर्सन। आप हर एक व्यक्ति से कॉन्टैक्ट तो नहीं बना सकते, लेकिन आप उसके इंट्रोडक्शन, उसके स्टीरियोटाइप के बेसिस पर आप उसका बिहेवियर जान सकते हैं, क्लियर, उनके प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, फिर उनसे आप आगे की डीलिंग ले सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूजफुल इन प्रोपोगंडा। इस आज के टाइम में जो इन बिजनेस है वो प्रोपोगंडा से चलते हैं, और मतलब एडवर्टीजमेंट एंड ऑल सब चीज़ों से। इसमें आप रेडियो टेलीविजन का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, टेलीविजन पे काफ़ी सारी एड्स आती हैं जो बच्चों को मतलब किसी भी चीज़ के लिए, मोस्टली टारगेटेड होती हैं जो एड्स, वो ऑडियंस टारगेटेड होती है। लाइक ब्यूटी प्रोडक्ट्स की एड्स जो है वो लेडीज़ को टारगेट करती है, लाइक खाने पीने की एड्स जो है वो ज़्यादातर बच्चों को टारगेट करते हैं, तो वो एड्स उन्हीं तरीके से बताई जाती हैं। तो इट प्रोपोगेशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द स्टीरियोटाइपिंग। अब हमें पता है, हमारे मन में विचारधारा है कि इस तरह का कंटेंट लेडीज देखना पसंद करती है, तो उसकी एडवर्टीजमेंट उसी तरीके से बनाई जाती है, ठीक है ना। तो इट इज यूजफुल, स्टीरियोटाइप यहाँ पर यूजफुल है। लेकिन अब जब हम आ जाते हैं स्टीरियोटाइप विद रिस्पेक्ट टू जेंडर, तो हो जाती हैं दुविधाएं शुरू। अब जेंडर इज लाइक मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। पैदा होते ही बच्ची लड़की है ये तो डॉक्टर ने बता दिया, लेकिन उसके में लड़की वाले गुण डालने के लिए जो उसके परिवार में ऑलरेडी स्टीरियोटाइप बने हुए हैं वो डालेंगे, वो उसे और ज्यादा लड़की बना देंगे। भाई लड़कियां जो हैं वो सूट सलवार ही पहनती हैं, स्टीरियोटाइप। अगर लड़की को हमने जीन्स टॉप में देख लिया तो हमारा स्टीरियोटाइप हर्ट हो जाएगा और हमारा दिमाग खनक जाएगा। स्टीरियोटाइप इज दिस। तो टर्म जेंडर शुड बी यूज्ड टू रेफर टू द सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज। मतलब जेंडर जो वर्ड है वो है जो सोशल यानी समाज ने मेल और फीमेल के लिए चीजें अलग की हैं, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर, नॉट टू द स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल इन इट्स एंटायरिटी। मतलब बच्चा पैदा होके मेल फीमेल हो गया, दैट्स फाइन। जेंडर क्या है, समाज ने उसे किस तरह का मेल और फीमेल बनाया, दैट इज स्टीरियोटाइप। तो जेंडर स्टीरियोटाइप अपीयर टू हैव एन इफेक्ट एट एन अर्ली एज। अब क्या होता है, बातें उस तरीके की जाती हैं, भाई अरे लड़का होके रो रहा है, स्टीरियोटाइप बना लिया, लड़के रो नहीं सकते, दिस इज स्टीरियोटाइप, विचारधारा है। पर क्यों नहीं रो सकते, किसी ने नहीं पूछा, बस मन में विचार बना लिया, लड़के रो नहीं सकते, लड़के आर स्ट्रांग। क्यों भाई, लड़कियां रोएंगी ही रोएंगी, लड़कियां लड़कियों के लिए क्या स्टीरियोटाइप्स है, लड़कियां घर का काम करेंगी, ठीक है ना, लड़कियां घर बाहर नहीं जाएंगे, ये स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने बना दिए हैं, और इनके बेसिस पर ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो जब हम डिस्क्रिमिनेशन टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी हमने यही सब चीज़ें डिस्कस करी थी, पर हम वहाँ पे देख रहे थे कि इन बेसिस पर कैसे भेदभाव होता है, पर वो जो बेसिस था वो स्टीरियोटाइप है, जो विचारधारा हमने बना लिया कि लड़की स्पेशली इसी काम को करेगी, लड़का स्पेशली इस काम को करेगा, दैट इज कॉल्ड एज जेंडर स्टीरियोटाइप। हम काम के बेसिस पर उसका जेंडर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमने स्टीरियोटाइप बना रखा है, समझ रहे हैं आप। अब जैसे कि इन वन स्टडी द इफेक्ट ऑफ जेंडर स्टीरियोटाइप ऑन द चिल्ड्रंस मैथमेटिकल एबिलिटीज वर टेस्टेड। अब एक स्टीरियोटाइप टेस्ट किया गया था बच्चों की मैथमेटिकल एबिलिटीज पर, और इस स्टडी में देख अमेरिका में अमेरिकन चिल्ड्रन लिए गए, और देखा गया 6 से 10 ईयर्स की एज में ही बच्चे जो हैं वो मतलब 6 से 10, 6 से 10 साल की उम्र के बच्चों को टेस्ट किया गया, और देखा गया कि सेकेंड क्लास के बच्चे को भी ये स्टीरियोटाइप समझ आ चुका होता है कि मैथ इज फॉर बॉयज नॉट फॉर गर्ल्स। भाई ये स्टीरियोटाइप है, एंड स्टीरियोटाइप इज नॉट ट्रू फॉर एवरीवन। मैं मैथ्स पढ़ा रही हूँ, अभी बैठे बैठे मैंने कितने स्टीरियोटाइप यहाँ पर दूर कर दिए हैं,
ठीक है, बनिया कंजूस होते हैं, मैं पंजाबी होके कंजूस हूँ, बनिया कंजूस हमेशा नहीं होते हैं, पलवल वाले लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। मुझे है कि मैं मेरी किसी से स्कूटरी टक्कर हो गई, मुझे पता भाई मेरी गलती होगी, मैं सॉरी बोलाऊंगी जाके, नहीं है पलवल वाले सारे लड़ाकू। देन मैथ इज फॉर बॉयज, नहीं है भाई मैथ इज फॉर बॉयज, मैं गर्ल होके मैथ्स पढ़ा रही हूँ। तो भाई स्टीरियोटाइप आर नॉट ऑलवेज राइट, और स्टीरियोटाइप के इफेक्ट क्या होते हैं बच्चों पर, स्टीरियोटाइप कैन अफेक्ट सेल्फ इवैल्यूएशन और इट कैन लेड टू सेल्फ स्टीरियोटाइपिंग। हम इतना स्टीरियोटाइप सुनते हैं कि हम अपने बारे में, खुद के बारे में एक स्टीरियोटाइप बना लेते हैं। अब हर लड़की ने अपने माइंड में एक स्टीरियोटाइप बना लिया कि भाई उसको घर का काम ही करना है, बिकॉज इट इज मेंट फॉर देम, स्टीरियोटाइप है लड़कियां ही घर का काम करती हैं। अब इस कारण से वो अपने आप का इवैल्यूएशन शुरू करने लगती है, क्या हम उस स्टीरियोटाइप को फॉलो कर रहे हैं, अगर हम उस स्टीरियोटाइप को फॉलो नहीं कर रहे तो हम गलत हैं। भाई हम गलत नहीं हैं, वो गलत है जो स्टीरियोटाइप को मान रहे हैं। क्लियर? स्टीरियोटाइप कैन ऑल्सो प्ले अ सेंट्रल रोल इन डिप्रेशन ड्यू टू नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स। अब कई बार नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स की वजह से डिप्रेशन हो सकते हैं, है ना? तो मतलब स्टीरियोटाइप के बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इफेक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इट कैन ऑल्सो लीड टू डिस्क्रिमिनेशन, जो हमने पिछले वीडियो में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में पढ़ा था, भेदभाव भी स्टीरियोटाइप की वजह से ही होते हैं। एंड इट हैज पोटेंशियली पावरफुल इफेक्ट्स ऑन हाउ पीपल परसीव, लोग दूसरे व्यक्ति को किस तरह से देखते हैं, समझते हैं, उस पर भी स्टीरियोटाइप का एक पावरफुल इफेक्ट होता है। बहुत सी स्टडीज ने ये देखा है दैट स्टीरियोटाइप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, आपको उसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं होती। आप जहाँ रहते हैं उस एनवायरनमेंट में आपको स्टीरियोटाइप अपने आप आपके अंदर एक्टिवेट हो जाता है। तो स्टीरियोटाइप इज नथिंग बट अ मेंटल इमेज, अ मेंटल पिक्चर, पिक्चर है आप किसी की, कि हमने दिमागी पिक्चर बना ली है, एक बिलीफ बना लिया है किसी कैटेगरी के बारे में, किसी कम्युनिटी के बारे में, किसी जेंडर के बारे में, या किसी भी चीज़ के बारे में। जैसे हरिजन्स आर डर्टी, दिस इज अ स्टीरियोटाइप, हरिजन्स तो बहुत अच्छे से भी रहने वाले होते हैं, दिस इज कम्प्लीटली अ स्टीरियोटाइप। हरिजन्स आर वीक इलिटरेट, नहीं भाई स्टीरियोटाइप है बस। स्टीरियोटाइप मतलब विचारधारा कि ये लोग ऐसे ही होते हैं। अब चीजें बदल रही हैं, और चीजें बदल रही हैं तो वो जो स्टीरियोटाइप पुराने वाले बैठे हुए थे दिमाग में वो जा नहीं रहे हैं, ठीक है ना? स्टीरियोटाइप कंटेन्स अ वाइडली एग्रीड बिलीफ, एक ऐसा बिलीफ है स्टीरियोटाइप जो बहुत एक बड़े पैमाने पर जिसको माना जाता है कि वो सच है, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल इन हिंदू वाइव्स, देयर एग्जिस्ट अ जनरल कंसेंस दैट देयर हस्बैंड्स आर देयर गॉड इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर गुडनेस और बैड नेचर, पति परमेश्वर होता है ऐसा कहा जाता है, बिलीफ है, स्टीरियोटाइप है। अब पति चाहे जैसा भी हो, पति चाहे रोज आपको मारे पीटे, पति परमेश्वर है। इस कारण से कितनी पत्नियां आज दुखी हैं ड्यू टू द स्टीरियोटाइप ओनली, ठीक है? स्टीरियोटाइप इज लाइक जनरलाइज कर दिया हमने, पति परमेश्वर ही होते हैं। भाई सारे पति परमेश्वर थोड़ी होते हैं, डिपेंड्स ऑन कि वो कैसे हैं। हमारे पति परमेश्वर हैं, उनकी हरकतें परमेश्वर वाली हैं, लेकिन कभी कभी परमेश्वर वाली नहीं होती हैं। सो वी शुड ट्रीट इन बोथ द वेज, जैसा वो करें। क्लियर? ऑल्दो इट डिपेंड्स ऑन पत्नी ऑल्सो, पत्नी भी कोई परमेश्वर नहीं है, लेकिन जो स्टीरियोटाइप्स बना रखे हैं उन स्टीरियोटाइप्स की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। जनरली नो चेंज टेक प्लेस इन स्टीरियोटाइप, और स्टीरियोटाइप जो है वो चलते ही आ रहे हैं, उनमें ज्यादातर चेंज नहीं होता। जैसे डॉरी डेथ्स होती थी, दहेज के लिए मौत होती थी हिंदू कल्चर में, हिंदू वाइफ्स पति मानते, पति को परमेश्वर मानते हैं, बहुत से स्टीरियोटाइप्स हैं जो हमने बना रखे हैं और इनको अभी भी फॉलो किया जाता है। एंड स्टिल वी कैन सी सम नेगेटिव एग्जाम्पल्स इनकी, स्टीरियोटाइप्स की वजह से कितना कुछ नेगेटिव सोसाइटी में हो रहा है, देन ऑल्सो हम धीरे धीरे उन्हें खत्म करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। स्टीरियोटाइप दोनों तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अब कारण क्या है स्टीरियोटाइप पैदा होने का? लैक ऑफ नॉलेज,
हमने सुना, हमने मान लिया, हमने सुनकर मान लिया से हम अगर एक्सपेरिमेंट करते, देखते, एनालाइज करते, रिसर्च करते, फिर उस चीज़ को मानते, तो शायद हमारे दिमाग में कुछ स्टीरियोटाइप्स होते ही ना। देन सोशलाइजेशन, जैसे जैसे एक इंसान का सोशलाइजेशन होता है, पर्सन स्टीरियोटाइप लर्न करता है सोसाइटी से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। क्लियर? सोशल और कल्चर डिस्टेंस से, एक दूसरे को देख देख के यानी इमिटेशन से, अपने ट्रेडिशंस जो चलते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज चलाते आ रहे हैं उन ट्रेडिशंस से। तो बहुत से ये तरीके हैं जिनको हम जिनसे हम स्टीरियोटाइप्स को मान लेते हैं कि वो सच हैं बिना उनको टेस्ट किए, दैट दे आर ट्रूली राइट और नॉट। अंडरस्टूड? तो स्टीरियोटाइप क्या है? एक बिलीफ है, एक झूठा बिलीफ या फिर सच्चा बिलीफ, कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बिलीफ है जिसको हमें दूर करना पड़ेगा। क्लियर? अब आपको फायदे भी समझ आ गए स्टीरियोटाइप के, आपको नुकसान भी समझ आ गए स्टीरियोटाइप के, और जेंडर स्टीरियोटाइप का तो कोई खास फायदा हमारे पास है नहीं। सो द पॉइंट इज टू रिमूव दीज स्टीरियोटाइप्स, और उसके लिए वी शुड नॉट एक्सेप्ट व्हाट द सोसाइटी से, हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, एंड देन वी शुड मेक आर ओन स्टीरियोटाइप। ऐसा नहीं कि पहले से जो चल से चलते आ रहे हैं आप उन्हीं को मानते चले जाएं। क्लियर? सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो, जहाँ पे हमने जेंडर स्टीरियोटाइप को डिस्कस किया। अगले वीडियो में भी हम कुछ जेंडर के बारे में ही समझेंगे। इट विल बी इक्विटी एंड इक्वालिटी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और हाँ, उससे पहले, अपनी सारी लास्ट कहानी से पहले, बीएड के एग्जाम में अगर ये टॉपिक आपके पास आता है, तो बस अपनी पॉइंट्स में आपको अपनी कहानी लिखनी है, अपने भाव लिखने हैं मन के, एंड यू विल श्योरली गेट गुड मार्क्स। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन ऑफ ऑल आवर वीडियोज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।